हे फ्रेंड्स, अर्चना अक्षय कुकिंग में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ऐसी रेसिपी जो खाने में क्या देखने में भी खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। बड़े क्या बच्चे भी इसे बहुत ही स्वाद से खाएंगे। तो चलो अब हम इस रेसिपी को बनाते हैं। मैंने कुछ प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक और आप चाहो तो इसमें लहसुन भी ऐड कर सकते हो। अब मैंने कुछ आलू लिए हैं उबले हुए, छोटे छोटे पीसेस लिए हैं, बड़े वाले नहीं। अब हमको इनको फ्राई करने के लिए चलो आगे चलते हैं। मैंने एक कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डाला, कटी हुई प्याज और कड़ी पत्ता, टमाटर मैंने सब इसमें ऐड कर दिया और इन्हें अच्छे से फ्राई करती गई। मैंने इसमें इसे धीरे धीरे चलाना है, गैस का फ्लेम स्लो ही रखना है। इसमें मैंने थोड़ी लाल मिर्च टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा कम नमक डाला है क्योंकि हम बाद में भी ऐड करने वाले हैं थोड़ा। इसमें मैंने टमाटर भी ऐड कर दिए। इसे धीरे धीरे चलाते रहना है, इसे चिपकना नहीं चाहिए, लगना नहीं चाहिए, जलना भी नहीं चाहिए। ये धीरे धीरे स्लो गैस पर इसे चलाना है। मैंने थोड़ी हल्दी, नमक, चाट मसाला, जीरा सब ऐड कर दिया। आप चाहो तो और गरम मसाला, धनिया पाउडर भी इसमें ऐड कर दो इसे। और कुछ इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए मैंने इसमें कुछ ड्राई फ्रूट और काली मिर्च का पाउडर भी लिया है। अब हम इसे अच्छे से चलाते जाएंगे। काली मिर्च का पाउडर इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंस है, इससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, इसकी खुशबू भी बहुत ही अच्छी है। इसे हम अच्छे से फ्राई करते जाएंगे और 10 मिनट के लिए इसे हम स्लो गैस पे ही पकने देंगे। अब ये पककर रेडी हो गया है तो हम इसे अलग निकाल लेते हैं, ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब कढ़ाई में हमने 1 चम्मच तेल फिर से लिया है। अब इसमें मैं डालूंगी कड़ी पत्ता, एक कटी हुई प्याज चॉप और उबले हुए आलू। उन आलू को हम धीरे धीरे फ्राई करते जाएंगे। आलू को जलने नहीं देना है और इसमें ज़्यादा ऑयल भी नहीं लेना था। आप चाहो तो इसमें और भी रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हो, घी भी यूज़ कर सकते हो, पर मैंने वेजिटेबल ऑयल लिया है। अब मैंने इसमें थोड़ा हल्दी, लाइट नमक, लाल मिर्च पाउडर सबको ऐड करके मैंने इसमें अच्छे से भूनती जा रही हूँ। अब हम साइड में आते हैं। मैंने जो टमाटर प्याज का ये फ्राई किया था, मैंने इसको अच्छे से ग्राइंडर कर लेती हूँ। अब ग्राइंडर करने के बाद अब हम नेक्स्ट चलते हैं। हमने जो आलू जो हमारे फ्राई हो रहे थे, मैंने ये वाला पेस्ट उसमें ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद हम उसे अच्छे से चला देंगे। अब देखो ये पककर थोड़े से रेडी हो गए। अब इसमें हम जो ग्रेवी बनाई थी इसमें ऐड कर दो। ऐड करने के बाद इसमें थोड़ा आप डालोगे चाट मसाला आप, और थोड़ी सी अगर जो आप अमूल क्रीम भी डाल सकते हो। अगर जो आपके पास अमूल क्रीम नहीं है तो आप इसमें घर का फ्रेश मलाई भी डाल सकते हो 2 चम्मच। अब इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दो, जितना आपको ग्रेवी गाढ़ी रखनी है तो गाढ़ी कर रख लो। थोड़े आपको लिक्विड सी चाहिए थोड़ा तो आप और भी पानी ऐड कर सकते हो। मैंने इसमें थोड़ा सा चाट मसाला डाल दिया, थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल दिया और कस्तूरी मेथी भी मैंने इसमें थोड़ी ऐड करी है। ज़्यादा नहीं डालनी, उससे थोड़े कड़वे हो जाता है फ्लेवर, बहुत ही लाइट ही डालना है। अब हम इसे अच्छे से चलाएंगे। आप मेरी वीडियो देख रहे हो, आपको अगर जो पसंद है तो कमेंट ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास मेरी सारी रेसिपी जाती रहे। आपको इसको 5 से 10 मिनट के लिए ढककर स्लो गैस पे ही रख देना है जब तक इसमें अच्छे से उबाल नहीं आ जाए। अब देखो ये बनकर रेडी हो गई है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले, फॉलो करें। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।